जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिनोलेज 1998 पर। दोस्तों, हम आपके लिए फिर से जीके के टॉप क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इन क्यूज़ को ध्यान से खेलिएगा। आपके लिए 10 सवाल लेकर आए हैं जिसमें से आपको 7 सही करना है। देखना है आप कितने पढ़ाई करते हो। दोस्तों, ध्यान से खेलिएगा क्यूज़ को। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार बने हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चंदेरी का युद्ध किनके मध्य हुआ था? ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है। इसका आंसर होगा दोस्तों, बाबर और मैंदिनी राय के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1861 में किसके नायकत्व में प्रगतिशील विचारों का समाचार पत्र इंडियन मिरर आरंभ हुआ? ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है। का आंसर होगा दोस्तों, शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 1903 के चित्तागोंग हथियार वाने की लूट योजना किसने बनाई? ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है। इसका आंसर है दोस्तों, सूर्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर चुनाव में कोई उम्मीदवार मांग करता है तो निम्न में से कौन चुनाव में मतदान करने वाले मतों की पुनर्गणना का आदेश दे सकता है? ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों, भारत का चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? ऑप्शन इस प्रकार हैं, इसका आंसर होगा दोस्तों, सरकारी आयोग। क्वेश्चन है, लक्षद्वीप व मिनिकाय द्वीप को कौन अलग करती है? ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों, 9 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील कौन से महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। इसका उत्तर है दोस्तों, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिजनौर होकर बहती है? ऑप्शन आपको सामने दिख रहे हैं। इसका आंसर है साथियों, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्मारकों में से कौन सा राजस्थान में स्थित है? ऑप्शन स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों, नाहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश। दोस्तों, यह लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। ये क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा किस टाइगर रिजर्व को भारत का 12वां बायोस्फीयर का दर्जा दिया गया है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर देना है। दोस्तों, यदि आपको कोई आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट पर उसका आंसर दे सकते हैं, सही जवाब। दोस्तों, आप कमेंट पर ये भी बताइएगा कि आपके 10 में से कितने अंक आए हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही जीके के क्यूज़ खेलते रहिए और अपने जीके को स्ट्रॉन्ग करिए। धन्यवाद।
जय हिंद।